फॉलो कर सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप अन अकेडमी पर। आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको सिर्फ सर्च करना है नित्या क्लासेस, और आप पाएंगे हमारे ढेर सारे वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। तो दोस्तों आज ही फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को एक अच्छी लर्निंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेस में। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट पर जो विवाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी टेट का में जो है वो बार बार आपत्ति जो थी वो कम रह गई है। जैसा कि आप जानते हैं अभी पीछे जब 22 दिसंबर को की दोबारा से जारी की गई, अभी 2 दिन पहले फाइनल की जा रही हुई संशोधित संशोधित की, तो उसमें मात्र 6 प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई, जहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को हैं कि बाकी बहुत सारे प्रश्न जो थे 12 लगभग प्रश्न थे जिन पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी जो है आयोग ने सिर्फ 6 प्रश्नों को माना है। तो इसलिए जो अभ्यर्थियों में आक्रोश है, और कई विद्यार्थियों से हमने भी मुलाकात की है, तो उन सब पर आक्रोश है, वो सब गलत सवालों पर कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों ये कोर्ट जाने का पूरा मामला क्या है, और ये सही भी है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको अभी बताया नहीं गया, बदला नहीं गया है, और जो जायज हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं जो 81 पर आकर रुक गए हैं जबकि वो पास हैं, तो इसलिए उन अभ्यर्थियों के पास नौकरी जो पाने पाते हुए भी वो नौकरी पाना चाहते हैं तो उसको खोने का गम उन्हें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर यूपी टेट में उनका अंक नहीं बढ़ा तो वो नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि बड़ी भर्ती है जहाँ पर सब अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी न्यूज़, चलिए शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ की और देखते हैं इस न्यूज़ में पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं न्यूज़, गलत सवालों पर कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी, टीटी अभ्यर्थियों ने बैठक की कर लिया निर्णय, 12 सवालों को लेकर जताई है आपत्ति, यानी टोटल 12 सवालों को लेकर आपत्ति जताई गई है आयोग के खिलाफ के बीच में 12 सवाल प्रश्न गलत है जबकि आपने सिर्फ 6 पर ही उत्तर दिया है। तो ये कहानी क्या है, पूरा न्यूज क्या है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार समझा सुना देता हूं कि प्रयागराज के पेपर में यह न्यूज है, पेज नंबर 6, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस परीक्षा में तकरीबन 12 सवाल ऐसे हैं जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन सचिव नियामक प्राधिकारी कार्यालय और इसकी आपत्तियों का कोई निस्तारण नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने रविवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक कर निर्णय लिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। उत्तर कुंजी के जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने अंक का हिसाब लगाया तो उसमें बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2-3 अंक के अंतर से ही टीटी उत्तीर्ण होने से वंचित हो सकते हैं। अभ्यर्थियों ने जिन सवालों पर आपत्ति ज्यादा आई है अगर उसका निस्तारण हो गया तो ऐसे अभ्यर्थी टीटी में उत्तीर्ण होने का रास्ता साफ हो जाएगा। और रात रविवार को अभ्यर्थी अनूप सिंह, उत्पल विशाल, ब्रजेश, पवन, रोहित समेत तमाम अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक की और निर्णय लिया कि मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि सभी 12 सवालों के गलत होने के उनके पास साक्ष्य हैं, इसके बावजूद आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। बुकलेट श्रृंखला 1 इन सवालों पर है आपत्ति, प्रश्न 1 संख्या तद्भर और तत्सम वाले सवाल में जो सचिव अधिकारी में 2 विकल्प सही माने और दोनों पर अंक देने की बात कही जबकि अभ्यर्थी मांग रहे हैं कि सभी को समान अंक दिया जाए। दूसरी प्रॉब्लम, अभ्यर्थी और प्रश्न तप्तारे पर मेरी भाव भरो आधारी सवाल पर 2 विकल्प सही माने गए हैं जबकि सभी को मनंक मांग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित सवाल पर अभ्यर्थियों ने डॉक्टर मालती सारस्वत की पुस्तक को आधार बनाकर आपत्ति दर्ज कराई है। क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है सवाल पर डॉक्टर LL गुप्ता एवं मदन मोहन की पुस्तकों में दिए गए तथ्यों के अनुसार आपत्ति दर्ज कराई है। प्रश्न संख्या 7 में कौन हास्यसर नहीं है, ये क्वेश्चन संस्कृत का था, हासिल नहीं है सवाल पर कक्षा 1 से लेकर 5 की पुस्तकों की रुचि के आधार पर बनाकर आपत्ति दर्ज कराई है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 में कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है पर NCT की पुस्तक के साक्ष्य को मानते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई है। प्रश्न संख्या 8 में अस्मक शहर का षष्ठी बहुवचन रूप है। प्रश्न संख्या 9 में वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होने का जो है सिलेबस के बाहर का वादा किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 में पुल्लिंग शब्द का चयन करें, इस सवाल पर जवाब पहिया माना गया है जबकि अभ्यर्थियों ने हृदय व्यवहारी हिंदी व्याकरण की पुस्तक को भी आधार माना और सही पखराज को भी सही माना है। प्रश्न 11 में ग्रहणी विरहणी शब्द अशुद्ध हैं, वे से जुड़े सवाल से अभ्यर्थी कक्षा 8 की पुस्तक के मंजरी को साक्ष्य मानते हुए आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। और प्रश्न संख्या 12 में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है सवाल पर सही जवाब निर्वाचन आयोग माना गया है जबकि अभ्यर्थियों ने परिषदीय बुक में इसका राष्ट्रपति होने का दावा किया है। तो दोस्तों ये टोटल मिलाकर 12 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपत्ति दर्ज कराई जानी है और इसके अलावा जो आयोग से सिर्फ 6 प्रश्नों पर ही आपत्ति का संशोधन किया गया है। इसके लिए जो पूरा का पूरा आप कमेंट में भी नीचे कर सकते हैं, अगर आप भी जाना चाहते हैं कोर्ट तो ये बात इन तक पहुंच जाएगी और आप भी अपने आप को एक ग्रुप बना करके इसकी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जिससे कि आपको भी जो आप वंचित हैं इस परीक्षा से आप भी इसमें आराम से
जुड़ सकते हैं और अपना भविष्य की नींव को रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चंस और भी कोई न्यूज आएगी पल-पल की तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे मुलाकात करें और लोगों से मिलें, जुड़ें और ग्रुप बनाएं और अपनी आपत्तियों को जरूर दर्ज कराएं जिससे कि सफलता की सीढ़ियां आप भी चढ़ पाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।